मेरे साथ रामकृष्णन जी है जिन्होंने मास्टर्स किया ऑस्ट्रेलिया से फ्रूटिंग और उसके ऊपर, और हम उनके मैसूर से 50-60 किलोमीटर दूर उनके फार्म पे आए हुए हैं। ये एक हाइब्रिड जिसको कह सकते हैं कि एनएमके गोल्ड एंड ऑस्ट्रेलियन कस्टर्ड एप्पल सीताफल की ग्राफ्टिंग करके कॉम्बिनेशन करके इन्होंने बनाया है। रामकृष्णन जी इसके बारे में बताएंगे, इसके मेंटेनेंस के बारे में, वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में और इसकी फ्रूटिंग के साइज के बारे में। नमस्कार, मैं रामकृष्ण मैसूर से बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कस्टर्ड एप्पल का न्यू वेराइटी है, ऑस्ट्रेलियन गोल्डन कस्टर्ड एप्पल बोल के। ये जो है वो रूट स्टॉक एनएमके वाला रूट स्टॉक है और ऊपर का ये पौधा है ऑस्ट्रेलियन गोल्डन वेराइटी का। इसका एडवांटेज क्या है कि इस अब पूरा समर सेंटर पे भी ये पूरा पत्ते गित्ते हरा भरा है और इसका फ्रूट और ये सब अच्छा सा साइज आता है। एनएमके से भी बढ़िया फ्रूट और अच्छा क्वालिटी का आ रहा है और डिसीज और पेस्ट बिल्कुल नहीं है इसमें। सो ये नया वेराइटी इंडिया में जो लॉन्च किया था ये बहुत अच्छा से मुनाफा देगा बोल के बता। इसमें पल्प भी ज्यादा होता है, 900 ग्राम के फ्रूट के अंदर सिर्फ 100 ग्राम इतनी सीड्स होती है, तो जो पल्प की रिक्वायरमेंट होती है सीताफल फ्रूट बेचने के बदले उसका जो पल्प एक्सट्रैक्ट करके सेल होता है उसकी हाई वैल्यू रहती है, मेंटेनेंस भी कम होता है। और ये जो प्लांटेशन इन्होंने किया है ये यहाँ पर सीताफल विथ लेमन और साइड में कोकोनट है, उसके बीच में सिल्वर ओक है, उसके ऊपर ब्लैक पेपर है, कोकोनट एंड सिल्वर ओक के बीच में सुपारी है, एरेकनट है जिसको बीटल नट कहते हैं जिसपे फिर ब्लैक पेपर लगेगा। तो ये न्यू टाइप का प्लांटेशन है, न्यू वैरायटीज है।